यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कठिन शब्दार्थ, ढोना, पकड़ना या संभालना, यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लोकोमोटिव, इंजन जो रेल को खींचता है, हाईवे, मुख्य सड़क जो दूर दूर के शहरों को जोड़ती है, यातायात, परिवहन, सामान या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यात्रा करने और वस्तुओं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयुक्त साधन वाहन या परिवहन कहलाते हैं। पहले समय में लोग जानवरों और गाड़ियों को सामान व व्यक्तियों को ले जाने में उपयोग करते थे। आज हमारे पास सामान व व्यक्तियों को ले जाने के लिए ट्रेन, बस, कार, हवाई जहाज, साइकिल, रिक्शा, जानवरों द्वारा ढोने वाली गाड़ियाँ, नाव और जहाज हैं। बहुत से पशु जैसे घोड़े, हाथी और ऊंट भी यातायात में प्रयोग होते हैं। मनुष्य द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा भी देश के सभी शहरों में उपयोग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर सामान ढोते हैं। वहां पर खच्चर ही यातायात के सबसे अच्छे स्रोत हैं। ये सभी यातायात के साधन पहिए के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाए। आधुनिक साधनों में पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे ईंधन इंजन को चलाने में प्रयुक्त होते हैं। मुख्यतः चार प्रकार के परिवहन होते हैं: रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। रेल में एक इंजन और डिब्बे यात्रियों को ले जाने के लिए होते हैं। इसमें सामान ले जाने के लिए भी डिब्बे होते हैं। यह धातु की बनी लंबी लाइन जिसे पटरी कहते हैं पर चलती है। भारत में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण देश में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल अंग्रेजों ने बनाई थी। क्या आप जानते हैं, पहली भारतीय रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच सन 1853 में शुरू की गई। पहले इंजन में कोयला ईंधन के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अब डीजल और बिजली कोयले की जगह प्रयुक्त होते हैं। इंजन जो रेल को खींचता है वह लोकोमोटिव कहलाता है। बसें, ट्रक, जीपें, मेटाडोर, ऑटो रिक्शा सड़क परिवहन के अंतर्गत आते हैं। लगभग पूरे देश में धातु मिश्रित सड़कें, मेटल्ड रोड बनाई गई हैं। बड़े शहरों में और कस्बों के बीच बड़ी सड़कों को राजमार्ग, हाईवे कहते हैं। हमारे देश में कई प्रकार की कारें, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिलें व साइकिलों का निर्माण होता है। ट्रक, टेम्पो आदि जैसे वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ढोने के काम आते हैं। जहाज, नावें और स्टीमर पानी, नदियों व महासागरों में चलते हैं। कुछ स्थानों में जल परिवहन अत्यधिक प्रचलन में है। कभी कभी तेल और अन्य सामान जहाजों द्वारा भारत में आयात किया जाता है। क्या आप जानते हैं, तेल वाहक जहाजों को टैंकर कहते हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जेट विमान वायु परिवहन के साधन हैं। यात्रियों के अतिरिक्त ये सामान भी ढोते हैं, इन्हें कार्गो कहते हैं। हवाई जहाज जहाँ से उड़ान भरते हैं व उतरते हैं उस स्थान को विमानपत्तन, हवाई अड्डा कहते हैं। भारत में इन दिनों लगभग सभी बड़े शहरों में हवाई अड्डे हैं। रॉकेट वायुयान के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए होता है। परिवहन के किसी भी साधन के लिए अच्छे मार्ग व सड़कें होनी चाहिए। मरुस्थल या खुरदरी चट्टानों वाली पहाड़ियों पर सड़कें बनाना या रेलवे जाल बिछाना बहुत कठिन है।
पर्वतीय क्षेत्रों में घोड़ों व खच्चरों का प्रयोग किया जाता है और मरुस्थल में ऊंट परिवहन का सर्वोत्तम साधन है। क्या आप जानते हैं ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घने जंगलों में भारी वजन और लकड़ी के लट्ठे ले जाने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य, व्यक्ति व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयुक्त होने वाले साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। यातायात के मुख्य साधन सड़क यातायात, रेलवे, जल और वायु यातायात हैं। भारत में रेलवे ट्रैक, धातु की सड़कें, अति विकसित जल मार्ग और हवाई मार्ग हैं। मरुस्थल में ऊंट यातायात का उत्तम साधन है।